ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड की रहने वाली आफरीन मजगावकर की शादी 11 नवंबर 2016 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रहने वाले आदिल अहमद अली मजगावकर से हुई थी। आपको बता दें, आफरीन आदिल मजगावकर की दूसरी बीवी है। इसके पहले भी आदिल की शादी आदिल के मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से हुआ था, मगर किसी बात को लेकर उनमें भी तलाक हो गया था। हालाँकि आफरीन का भी इसके पहले पति से तलाक हुआ था और इसी वजह से आफरीन की शादी आदिल से हुई थी। मगर आफरीन का परिवार आदिल के पहले पत्नी का कैसे तलाक हुआ था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। मगर जब उन्हें पता चला कि फ़ोन पर आदिल पहली पत्नी को तलाक दिया और उससे पैसों की भी मांग करता था, 3 सितंबर को आदिल मजगावकर ने तीसरी शादी एक इलाहाबाद की रहने वाली लड़की से जोगेश्वरी में शादी कर अबू धाबी तीसरी बीवी को लेकर चला गया। ऐसा हमें आदिल की दूसरी पत्नी आफरीन ने बताया है, जिसकी वजह से आदिल के ऊपर इस मसले पर गुनाह भी दाखिल है। मगर कुछ दिन बाद आफरीन के साथ भी आदिल उसी तरह से पेश आने लगा, मारना पीटना डिमांड करना, इसी तरह से प्रताड़ित करने लगा। मेरी शादी अपना 11 नवंबर को हुई थी 2016 में। जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसका नाम आदिल अहमद अली मजगावकर है, जो कि हरनई का रहने वाला है, बंदर मोहल्ले का। और उस लड़के से शादी होने के बाद में वो अबू धाबी चला गया था। उसने अपनी पहली औरत के बारे में हम लोगों को बताया था कि मेरी एक वाइफ है, डाइवोर्स हुआ है, बट बच्चा है और उसका केस चालू है। उसने इस बात को हाइड किया हम लोगों से। जब मैं उन लोगों के घर पर गई, आदिल जब बाहर चला गया शादी के दूसरे दिन, तो इसकी मम्मी ने दूसरे तीसरे दिन ही मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया, पैसे वगैरह की मांग, बहुत नाटक था इन लोगों का। और शादी के बाद में जब मैं बाहर गई, आदिल के पास पैसा नहीं था अबू धाबी बुलाने के लिए, और इसने मेरे अब्बा को बोला कि आप है ना पैसे का इंतज़ाम करो, वीज़ा निकाल के दो, तो आपकी बेटी को मैं बाहर बुलाता हूँ, मेरा इरादा है बुलाने का। तो मेरे पापा ने फिर वीज़े का अरेंजमेंट किए और मुझे बाहर भेजे, बुलाए, मतलब बुलाने के बाद में मैं बाहर गई। और फरवरी की 2 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। 31 दिसंबर को मैं यहाँ से गई थी, 6 तारीख को पता चला मैं हमल से हूँ। उस वक्त उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद में ना मेरे आदमी ने मुझे दवाई दिलाया, ना कोई डॉक्टर के पास लेकर गया। जब मैंने मेरे पापा से राय मशवरा किया तो उन्होंने बोला कि बात करवा मेरी आदिल से। बात करने के बाद में आदिल ने साफ जवाब दिया कि मेरे पास में इंश्योरेंस के पैसे नहीं है और आफरा का इंश्योरेंस भी नहीं है, तो मैं उसको दवा नहीं दिला सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इतना। वो होने के बाद में इसकी मम्मी आई 12 फरवरी को। 12 फरवरी को इसकी मम्मी आई अबू धाबी। वो आने के बाद में उसने मुझे, हमल से थी मैं उस वक्त, माँ बेटों ने दोनों ने मिलके मुझे मारपीट की है और वो रूम वाले भी गवाह है इस बात के। जब इन लोगों ने मुझे मारे उस वक्त मेरे पापा और मेरे चाचा ने मुझे इंडिया के लिए टिकट वगैरह का अरेंजमेंट किए और मुझे इंडिया रवाना कर दिए वहाँ से, जब इन दोनों ने नाटक किए। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद में पूरा 9 महीना मेरे घर वालों ने खर्चा उठाया, डिलीवरी तक मेरे माँ बाप ने करवाए मेरी। वो सब होने के बाद में ये आदमी जनवरी में, सितंबर में मुझे बच्चा हुआ 25 तारीख को, अक्टूबर में ये आया अबू धाबी से। आने के बाद में इसने बहुत ज़्यादा मारपीट, मतलब लड़ाई झगड़ा किया, ये छोड़ने के हिसाब में आया था मुझे, पर इसकी हिम्मत नहीं हुई उस वक्त। ये शांत रहा 3 महीने तक और छुपके था हमारे घर में। पहली बीवी के केस का वारंट इशू हुआ हुआ था इसका। वो होने के बाद में यहाँ पर रहा ये, मारपीट करना, झगड़ा करना, मेरी माँ के घर में रह के मुझे मारता था ये। उसके बाद में भी मेरे घर वाले इससे मतलब इतना ये नहीं किए कि जान दे बेटा है, दामाद है तो क्या हुआ, बेटे की जगह होता है। अप्रैल की 2 तारीख को उसने मेरे पे तोहमत लगाया कि तेरा किसी और के साथ अफेयर है, अफेयर है, अफेयर है, बोला, गाली गलौज किया, मेरी हर जगह मेरे नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरे अश्लील फ़ोटो बना के वो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पे अपलोड करता है। उसके बाद में मैंने 2 FIR हुए इसके, एक 498 हुआ है और दूसरा 357 कलम लगी है इसके ऊपर। तो अभी आपको क्या बोल रहा है, वो आपके साथ रहने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? नहीं, वो लड़का रहने के लिए तैयार नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लड़कियों को परेशान करना। वो सिर्फ ये बोलता है, मेरे पास उसके हर एक स्नैपशॉट है। वो बोलता है कि मैं तुझे कभी ज़िंदगी में तलाक नहीं दूंगा, तुझे सड़ाऊंगा, तू किसी के लायक नहीं बची है,
और कभी तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, मैं तुझे वो लायक रखूंगा ही नहीं। आपने कंप्लेंट की है इसकी? हाँ, मैंने कंप्लेंट की है इस बात की, FIR हुई है इस चीज़ के ऊपर से। जो आदिल है वो आबू धाबी ट्रैवल किया है, जबकि उसका ओरिजिनल पासपोर्ट मुमरा पुलिस स्टेशन में सीज किया गया है। तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट से ट्रैवल किया है आबू धाबी, जो कि उसने दिल्ली से इशू करवाया है। और मैंने काफ़ी बार RTI का जवाब भी निकाला है इस चीज़ के लिए कि इसका पासपोर्ट अंडर पुलिस है या नहीं है, बट उस चीज़ का भी हम लोगों को जवाब मिला है कि उसका पासपोर्ट है जो वो सीज किया हुआ है अब तक। तो फिर वो आबू धाबी कैसे ट्रैवल कर सकता है? इस चीज़ की हम लोगों ने शिकायत काफ़ी बार की है पुलुमरा पुलिस स्टेशन में रामचंद्र भीमराव वलतकर सर से, बट वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि हाँ मैं तहकीकात कर रहा हूँ, हाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, हाँ हम लोग करेंगे, ये बोलते हैं और मेरे को बस इतना ही दिलासा देते और मैं रिटर्न घर पर आ जाती हूँ, उसके बाद में कुछ नहीं होता। मतलब मैं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मुझे ये पता चलना चाहिए उस लड़के का क्या। हम लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बच्चे लेके हम यहाँ पर घर में बैठे और वो लड़का मजे कर रहा है, उसका कोई कुछ नहीं करता है। आफरीन का कहना है कि हम लोग बार बार मुमरा पुलिस स्टेशन जाते हैं मगर किसी भी तरह की उनकी सहायता नहीं की जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।